कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बच्चों संग भी मस्त दिखे राहुल, सड़क पर राहुल ने लैपटॉप में क्या सिखाया। देखा आपने तेलंगाना में राहुल गांधी का ये अंदाज, भारत जोड़ो यात्रा में थका देने वाली इस मार्चिंग में इसी तरह से बीच बीच में वे कुछ पल कुछ खास लोगों के साथ बिता लिया करते हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा हाल फिलहाल महाराष्ट्र पहुंची हुई है, जहां राहुल गांधी को खूब समर्थन मिलता दिख रहा है। इस दौरान उनके साथ कुछ स्थानीय नेता भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कुल 3,570 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये यात्रा 150 दिनों में तय की जाएगी। ये यात्रा 5 महीने में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए गुजरेगी। इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से 7 सितंबर को हुई है और जम्मू कश्मीर में इसका अंत होगा। इसे कांग्रेस के 2024 के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बड़ी पदयात्रा के जरिए 2024 के आम चुनाव के लिए देश की जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिशों में लगी हुई है। हालांकि इस कोशिश में कांग्रेस को किस हद तक सफलता मिल पाएगी, इस पर राजनीतिक विचारकों की राय बटी हुई सी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह की भीड़ और समर्थन राहुल की इस पदयात्रा में दिखाई दे रहा है, उससे विरोधियों के माथे पर बल जरूर पड़ गए हैं, लेकिन इस दिखाई दे रहे समर्थन का वोटों में 2024 के आम चुनावों में तब्दील हो पाना हाल फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।